नमस्कार, सोनी बुटीक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक कॉलर सूट की कटिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसकी कटिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेते हैं। अब देखेंगे अपनी लंबाई। तो आप अपनी लंबाई, आप जितना लंबा सूट बनाना चाहती हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लंबाई ले सकती हैं। तो यहाँ हमें 44 इंच तैयार करना है, तो ये कपड़ा थोड़ा सा कम है। अब यहाँ से हम अपना शोल्डर देखेंगे। तो शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो 14 का हाफ 7 इंच हुआ। 7 इंच में हम 1.25 इंच बढ़ा के 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से भी हम 7.25 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। अब दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। अब हम अपना आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हमें रखना है यहाँ से 7 इंच। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगाते हैं। अब यहाँ से हम अपना अब दूसरा निशान लगाएंगे अपने टक्स पॉइंट का। तो टक्स पॉइंट 9 इंच है, तो 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर 14 इंच है, तो 14 इंच पे आधा इंच सिलाई मार्जिन इस पर भी हमें रखना है। 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब 20 इंच पे अपना हिप का निशान लगाएंगे। तो ये हमने 20 इंच पे हिप का भी निशान लगा लिया है। अब सभी निशानों को सीधा कर लेंगे। अब हम अपना चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 34 इंच है, तो 34 का हम चौथा भाग निकालेंगे, तो वो होगा 8.5 इंच। सेम निशान यहाँ पे भी हम अपना 8.5 इंच पे लगाएंगे। अब यहाँ से हम अपने कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारा 30 इंच है, तो इसका हम चौथा भाग 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से भी हम 8.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब नीचे का जो हमारा घेर तैयार करना है वो हमें 10 इंच पे तैयार करना है। तो यहाँ से हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन जो हम किनारे से फोल्ड करेंगे। हम इन सभी निशानों को मिला लेंगे। ये सभी निशान लग के कम्प्लीट हो गए। अब हम अपने यहाँ से अपनी सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पे हम 2 इंच का सिलाई मार्जिन रख रहे हैं। सेम निशान यहाँ पे भी 2 इंच का लगाना है। और यहाँ से हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर पे हमने 1.25 इंच का मार्जिन रखा है और हिप पे हमने 1 इंच का सिलाई मार्जिन रखा है। अब यहाँ से हम इस निशान पे तिरछा इंची टेप को तिरछा रखेंगे। इस निशान को भी कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई मार्जिन रखते हुए अपना निशान पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा सिलाई मार्जिन है। अब यहाँ से 1 इंच हम अंदर की साइड डाउन करेंगे। अपना आर्म होल 1 इंच हमें अंदर की साइड डाउन करते हुए तिरछा मिला लेना है। अब यहाँ से हम ऊपर से आधा इंच नीचे की साइड डाउन करेंगे। यहाँ से हम आधा इंच डाउन करते हैं। अब यहाँ से हम 1.25 इंच की दूरी पे अपना गोलाई देंगे। तो यहाँ से हम 1.25 इंच की दूरी से अपनी गोलाई ले रहे हैं। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की गोलाई कंप्लीट होती है। अब यहाँ से हम सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए अपना आर्म होल देख लेंगे। तो ये हमें 8.16 इंच का तैयार करना है। तो ये देखिए हमारा 7.5 इंच आ रहा है। जब हम ऊपर से कपड़े को फोल्ड करेंगे तो आधा इंच हमारा दूसरे साइड वाले जो पल्ले को हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे तो उसमें मैनेज हो जाएगा। अब यहाँ से हम 5 इंच का अपना शोल्डर रख रहे हैं। 2.25 इंच का हम अपना गला ओपन करेंगे। तो सेम निशान यहाँ से भी हम 2.25 इंच पर लगा रहे हैं। अब ऊपर से हम नीचे 2 इंच पर लगाएंगे निशान। 2 इंच हमें नीचे डाउन करना है। सभी निशानों को मिला लेंगे और इस वाले निशान को हल्का सा आगे की साइड झुकाते हुए तिरछा निशान लगाएंगे। अब हम इसमें अपनी गोलाई देंगे। तो ये हमारा बैठा हुआ कॉलर बनेगा। अब यहाँ से हमें 10 इंच ओपन करना है आगे की साइड।
यहाँ से हमें खोल के पट्टी लगानी है। ये सभी निशान लग के कम्प्लीट होते हैं। अब करते हैं इसकी कटिंग। सभी निशानों पे हमें कट लगा लेना है, तो यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हम कर लेते हैं गले की कटिंग। तो ये हमारा यहाँ से गला भी कट के कंप्लीट होता है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट होती है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने डबल फोल्ड में कपड़े को बिछा लिया है। ऊपर की साइड से हमें 2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हमें इसको सेट करना है। तो ये हमने शोल्डर को जो डाउन किया था उसको हम कट कर लेते हैं पहले, फिर इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे। अब हमें क्या करना है, अच्छी तरह से इसको किनारे को मिलाते हुए सेट करना है। यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और एक यहाँ से 1.5 इंच का। अब आगे वाली साइड से अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे और कपड़े को बराबर से सेट करेंगे। जब भी आप कॉलर वाला सूट बनाएं या फिर ब्लाउज़ बनाएं तो ऊपर से कपड़ा एक्स्ट्रा रखें, नहीं तो आपका कॉलर खींचा हुआ बन के तैयार होगा। अब यहाँ से हमने अपना जो शोल्डर लिया था 5 इंच, यहाँ से हम 1.25 इंच बढ़ा के 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। पीछे वाले पार्ट में हमने 1.25 इंच बढ़ा के लगाया है। जब हम ये सिलाई करेंगे तो ये हमारा मैनेज होगा। अब यहाँ से हम सीधी निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम अपनी गोलाई ले लेंगे। तो थोड़ा सा ऊपर की साइड से हम पीछे का गोल राउंड कर लेते हैं, जो हमारा आर्म होल है। ये हमारी गोलाई कंप्लीट होती है। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर लेना है और यहाँ से भी हमें 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाना है। इन दोनों निशानों को तिरछा मिला लेंगे। अब यहाँ से हम अपने 2.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से गोलाई ले लेंगे। ये हमारा पीछे गले का कटिंग होगा। अब हमें सेम निशानों पे कटिंग कर लेना है। ये हमारी दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट होती है। अब इसको हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा आर्म होल सेट हो जाएगा। अब यहाँ से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये हमने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है और यहाँ से 1 इंच पे हम एक सीधा निशान लगा लेंगे, जो आगे की साइड हम तुरपाई करने के लिए या फिर फोल्ड करते हैं उसके लिए। अब हम लेंगे अपनी लंबाई। तो लंबाई हमारी तैयार करना है हमें 18 इंच। तो हम 18.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1/2 इंच ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे और सेम निशान यहाँ से भी हम 18 इंच पे लगा लेंगे। इन दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से हम अपना थोड़ा सा निशान डार्क कर देते हैं कि आपको इजीली पता चले। अब इस निशान पे भी हम एक सीधी निशान ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, नीचे की साइड से हम 4 इंच डाउन करेंगे। फ्रेंड, जब भी आप लंबी वाली आस्तीन बनाएं तो यहाँ से नीचे की साइड 4 इंच, 4.5 इंच आप डाउन करें। बहुत ही परफेक्ट फिटिंग के साथ बाजू बनके तैयार होगा। अब यहाँ से हम 8 इंच पे एक तिरछा निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 8 इंच लेंगे, जो हमारा 8 इंच 16 इंच का आर्म होल है। तो इसका भी हम आधा निकालेंगे। तो ये हमारा 8 इंच होगा। तो यहाँ से 8 इंच पर हम तिरछा निशान लगाएंगे और इस पर गुलाई देते हुए इसकी कटिंग करेंगे। अब आगे का हम देख लेते हैं गोलाई। तो ये हमारा 4.5 इंच पे तैयार होगा। अब इसमें हम 2 इंच, 1.5 इंच, आप जितना सिलाई मार्जिन रखना चाहती हैं वैसे रख सकती हैं। तो यहाँ हम 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन रख रहे हैं। अब इस निशान से इस निशान को तिरछा मिला लेंगे। जब हम इस पर सिलाई करेंगे तो हल्की सी गोलाई लेते हुए हमें इस पर सिलाई करनी है। इसका ध्यान रखें, यहाँ पर हल्का सा गोलाई करेंगे। अब यहाँ से अपना सिलाई मार्जिन रखते हुए भी एक और निशान लगा लेंगे जिस पे हमारी कटिंग होगी। अब यहाँ से हम गोल राउंड लेंगे 1/2 इंच आगे की साइड से और अंदर की साइड गहराई देने के लिए भी 1/2 इंच अंदर की साइड लेंगे। तो ये हम
कटिंग करके कंप्लीट करते हैं। आगे की साइड से थोड़ा सा तिरछा कटिंग कर लें। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसमें खिंचाव सा नहीं आएगा, इसके लिए हल्का सा तिरछा कटिंग करते हैं। तो ये देखिए इस पर हमारी सिलाई होगी। अब हम इसकी गहराई काट लेते हैं। तो हम इसको ओपन करेंगे और दो पार्ट में हम इसकी गहराई देंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की गहराई होगी। अब बी सेंटर में हम इसको कट कर लेंगे। हम सभी निशानों पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपको जल्द ही डिजाइनर सूट, डिजाइनर ब्लाउज़ों की कटिंग और स्टिचिंग की भी वीडियो बहुत ही इजी स्टेप के साथ मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनी फैमिली के फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए कटिंग और स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।